कपूर वरम करुणावतारम संसार सा मैं आ गई हूँ आज का डे टू का ब्लॉग मैं यहाँ से चालू कर रही हूँ। हालांकि अभी डे वन ही है बट मुझे प्रसाद बनाना है ऐसा जो एंजल भी खा सके, तो मैंने सोचा कल सुबह बनाइए। और भी बहुत सारा काम रहे क्योंकि कल तो हमको गन्नू जी के लिए बनाना है, मतलब वो भोग जो गन्नू जी को लगने का हम लोग भी खा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आज अभी मेरे पास टाइम है तो मैं प्रसाद बना देती हूँ जो एंजल खा सके। तो अभी मैं बना रही हूँ एंजल के लिए ओट्स और पनीर लड्डू, ओट्स पनीर एंड कोकोनट लड्डू, मतलब तीनों का एक लड्डू। और समझ में आ रहा है उस हिसाब से मैं बना रही हूँ अभी। तो देखिए मैं क्या क्या कर रही हूँ। ये है पनीर, ग्रेटेड पनीर। ये है ओट्स जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया, और ये मुझे कोकोनट फ्लेक्स भी मिल गए थे तो मैंने इनको भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये घी डालूँगी मैं, और मोदक मोल्ड में डाल करके हो गया है मोदक का प्रसाद, जो कि कल गन्नू जी को भोग लगेगा और फिर एंजल को देंगे। तो एंजल जो है अभी देखिए वहाँ पर सोरी तक हम लोगों ने प्रसाद की तैयारी की है। नेहा यहाँ पे दूध भी साफ कर ली है, सुंदर सुंदर सा दूध छांट ली है गन्नू जी के लिए, पुष्प भी लगा दिया है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। देख लीजिए आप हल्का सा झलक आपको अगर समझ में आ रहा है कौन सा फूल है, तो नहीं तो मैं बाद में दिखाती हूँ। तो ये नेहा ने रेडी कर दिया है गन्नू जी को, और हम लोगों ने भोग की तैयारी कर ली। अब हम लोग सब लोग तैयार हो जाएंगे और उसके बाद में मिलते हैं आपसे। और ये हमारी एंजल भी छोटा सा हल्का सा नाश्ता करके अपना डायना को पता नहीं कौन सा मसाज दे रही, निबिंग कर रही है एंजल। तो नाजिया आपका दिया हुआ ये जो डायना है ना, इसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब ये सबका जो भी आज एंजल बोल रही है कि हो गए हैं हम सब लोग तैयार, और हमारे पापा भी रेडी हो गए हैं, हमारे गन्नू जी के लिए भोग भी रेडी हो गया है, और अब हम लोग करेंगे आरती। ये देखिए और गन्नू का ड्राई गणपति बाप्पा मोरया। तो आपने मेरा लुक देख लिया, मैं और एंजल ट्रेन कर रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आज डे टू है तो आज का डेकोरेशन भी थोड़ा और अलग हो गया है, डेकोरेशन थोड़ा सा और ग्रैंड हो गया है। तो जो हमने सामने में डेकोरेशन किया था वो हमने थोड़ा साइड में भी कर दिया है, और वो रहे हमारे प्यारे से गन्नू जी। स्पेशल बात ये है कि हमारे गन्नू जी का आज फूल का जो माला है येलो है, और उनका भोग भी येलो येलो है। तो ये भोग रेडी है, अभी हम उनको भोग भी लगाएंगे। मैं आपको लुक दिखा देती हूँ जो बहुत ज़्यादा ग्रैंड हुआ है, ये देख लीजिए आप लुक। गणपति बाप्पा मोरिया था गन्नू जी का इच्छा है, वो वैसा ही करवाते हैं। तो ये रहा फुल लुक, ग्रैंड सा लुक। भोग भी रेडी है, आरती की थाली भी रेडी है, अब बस हम लोग को आरती करना है। तो एक बार मम्मी और एकता भी आ जाते हैं, फिर हम लोग आरती करते हैं, तब तक मैं आपको क्लोजर लुक देती हूँ। आ गई है हमारी
हमारी नेहा भी गणपति बप्पा मोरिया मूर्ति मोरिया और हमने सब पहना है अनारकली। आप मैं आपको दिखाती हूँ एकता का लुक। ये रही एकता, उसका पैर मोरिया, मम्मी रेड में गणू जी के साथ थोड़ा बहुत ट्विन करते हुए मोरिया। मम्मी एक बार फिर से बोले, मैं बीच बीच में बोल रही थी। हाँ मोरिया, आप सबको भी गणेश चतुर्थी की बधाई। छोनी छोनी मेरे मम्मी। जैसे कि आज का डेकोरेशन थोड़ा और ज्यादा ग्रैंड हुआ है, तो उसके साथ साथ हम लोगों ने लगाया है ये प्यारा सा घंटी। ये रहा घंटी जो बजेगा जब आरती होगा, तो आज ये घंटी बजने वाला है। एक तो इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है ये घंटी। ये तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई थी, दोनों का आवाज़ थोड़ा अलग है। तो ये घंटी भी हमने लगाया, थोड़ा घंटी आराम से दिख रहा होगा, जो कि अभी आरती में ये घंटी ज़रूर बजेगा। जय हो गणेश जी महाराज की, जय हो। चावल और स्वीट पोंगल का भोग लगा रहे हैं हम लोग। एक कटोरी वहाँ पे रख देंगे और बाकी का थाली नीचे रख देंगे, ताकि कोई भी चीज गिरे ना। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा संतम हृदय अरविंदे मम भवानी सहितम नमामि। आप सबको फिर से दे देती हूँ, कितनी सुंदर लगती है। एंजल तुम अब आइए, इसके पहले क्यों नहीं आए थे बाबू, आ जाती ना। हाँ चलो कोई नहीं, आरती तो ले लिए एंजल। हाँ तिलक नहीं लगाई, तिलक नहीं लगाई एंजल को, वो जाकर सो गई थी तो बैंडाना पहन के। हाँ तो गन्नू जी को हमने भोग भी लगा दिया है, आरती भी कर ली है। अभी हम है थोड़ा बहुत गन्नू जी का, ये उनको ध्यान करके अपना इच्छा, अपना मारवाड़ी और हिंदी मिक्स करके बोलना। मैं तो देखो गणेश जी ना मनाऊंगा, मनाएंगे हम लोग गणेश जी को कि यही रहिएगा, हमारी जो इच्छा है मनोकामना पूरा कीजिएगा, हमें निरोगी काया स्वस्थ तंदुरुस्त काया दीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे। अरे देखिए अभी वो स्वीट पोंगल खाया गणू जी ने, स्वीट पोंगल का भोग लगाया, फिर लेमन राइस का भोग लगाया, अब आ गया है मोदक का बारी। ये बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, मैंने बहुत हल्का सा हनी डाला है, तो गणू जी को मालूम रहेगा कि इतना ज़्यादा मीठा नहीं रहेगा। तो इसका भोग लगाएंगे हम, और फिर ये किसको देंगे हम लोग, इसको मूषक के सहेली है ये। जल गई है वहाँ पर मम्मी के पीछे पीछे अपना प्रसाद है, मम्मी आपका वेट कर रही है कि आप इसको प्रसाद देंगे। हाँ अभी अभी रिव्यू मिलेगा, एक तो एकदम शांत था, देखेंगे हम लोग। नीचे गिर जा रहा है एंजल, बाउल दे दूँ। हाँ इसको मैं बाउल में दे देते हैं ताकि गिरे नहीं बच्चे का। तो गन्नू जी को भी अच्छा लगा और एंजल को भी अच्छा लगा प्रसाद। नहीं हाँ यू गाइस आर क्लिकिंग फोटोज, हाँ समबडी ऑलरेडी हैड प्रसाद। अब बारी है गन्नू जी के लिए भोग बनाने की शाम के लिए, तो मैं बना रही हूँ उनका सबसे फेवरेट मोदक। हो गया है शाम की आरती का समय, हमारे प्यारे प्यारे बप्पा के लिए बना है उनका सबसे फेवरेट मोदक, जिसकी तैयारी कर रही है नेहा और कनिष्का। बस लास्ट टचअप देना बाकी है और फिर लगाएंगे हम बप्पा को मोदक का भोग। मोदक का प्रसाद, तो ये जो है ये फिलिंग बच गया था, तो मैंने इसको भी मोदक शेप दे दिया। अच्छा जल्दी तो से हम लोग वेट नहीं कराएंगे, नेहा वही सोच रही ये क्या है। वेट नहीं कराएंगे हम लोग, गणू जी को आ गया पापा का मोदक, सबसे फेवरेट है पापा, भोग लगा रहे हैं, स्वीकार कीजिए गणू जी। आनंद भोग गणादित सेवतम जय की
सारे सब्सक्राइबर्स को मुझे भी आरती मिल गई। अभी हम लोग गणपति जी का जयकारा लगाएंगे, तो चलो हम लोग आते हैं। 1 2 3 4 गणपति जी की जय जयकार। 5 6 7 8 गणपति जी हमारे साथ। 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा। 13 14 15 16 गणपति हमारा भोला। 17 18 19 20 गणपति हमारे बीच। 70 80 90 100 गणपति जी के पैर पड़ो। 70 80 90 100 गणपति जी के पैर पड़ो। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जा रहे हैं गणपति पंडाल। तो ये था आज का डे टू का व्लॉग, और हम लोगों ने बहुत मस्ती किया, बहुत मजा किया। हम लोग ये मोदक बनाया और सबको को बहुत पसंद आया। मैंने टेस्ट करके आपको नहीं बताया, लेकिन अभी बता रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। लास्ट टाइम जैसे मैंने बनाया था उससे भी ज़्यादा टेस्टी बना है, क्योंकि मैंने आपके बार पनीर डाला। फर्स्ट टाइम ट्राई करी पनीर के साथ भी, बहुत अच्छा बना। और हम लोग सब लोगों को बहुत मज़ा आया, टेस्टी लगा हम लोग को ये मोदक बहुत टेस्टी लगा। और पोंगल भी बहुत टेस्टी लगा, मैं उसके बारे में नहीं बताया क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, तो हम लोग रेस्ट करने लग गए थे। और भी मुझे मोदक का तैयारी करना था तो मैं आपको बता नहीं सकी, लेकिन अभी बता रही हूँ कि पोंगल भी बहुत अच्छा बना और मोदक भी बहुत अच्छा बना। अब कल के बारे में हम लोग को सोचना है कि हम लोग भोग में क्या लगाएंगे, तो वो उसके लिए भी आपको देखना होगा हमारा डे 3 का व्लॉग। तो कल विसर्जन भी है और हम लोग कल बप्पा को क्या भोग लगाते हैं आप देखिएगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। गणू जी का आशीर्वाद, गणू जी का दर्शन हो जाए सबको को। और एक बात, हाँ, अभी हम लोग गए थे गणपति जी का पंडाल, मैं सिर्फ फोटो डाल रही हूँ हम लोगों का, तो इसका जो ब्लॉग है वो अलग सेपरेट से आएगा, तो आप वो ब्लॉग भी ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मर्ज करने से मज़ा नहीं आया, क्योंकि वो गणू जी बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और झूला पे बैठे थे। अगर आपको आपने नहीं ध्यान से देखा होगा या ब्लॉग में आपको नहीं दिखेगा, तो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बड़ा झूला पे बैठे थे गणू जी और बहुत सुंदर लग रहे थे। तो आप लोग ये ब्लॉग के बाद में, ये ब्लॉग में जो गणपति पंडाल वाला ब्लॉग है थोड़ा सा बाद में आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मिलती हूँ आपसे, मैं मिलते हैं हम आपसे डे 3 के व्लॉग में। तब तक के लिए खमा गणी, जय माता दी मती, गणपति बप्पा मोरिया।